नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। न्यू मोटर व्हीकल एक्ट पास होने के बाद पूरे देश में चेकिंग अभियान चल रहा है। लगातार ये तस्वीरें आ रही हैं लगातार कि पुलिस चेकिंग अभियान कर रही है। कुछ ऐसी एक घटनाएं हो गई थी कल पटना के एग्जीबिशन रोड में, जिसमें चालान काटने के नाम पर भारी बवाल हो गया। तो एक दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं, जहाँ पर ये राबड़ी आवास की तस्वीर है, जहाँ तेजस्वी यादव किसी निजी कार्य से बाहर निकल रहे हैं। जहाँ पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव खुद सीट बेल्ट का प्रयोग कर रहे हैं और उनके ड्राइवर भी सीट बेल्ट का प्रयोग करें। एक अच्छी पहल तेजस्वी यादव द्वारा आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। ये तस्वीरें आपको न्यूज़ फॉर नेशन के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां राबड़ी आवास से जब बाहर तेजस्वी यादव यानी कि नेता प्रतिपक्ष जब निकल रहे थे किसी काम से, निजी काम से, तो उन्होंने सीट बेल्ट का प्रयोग किया था और साथ ही उनके ड्राइवर ने भी प्रयोग किया। और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने साफ तौर पर बताया कि लोगों को अभी जागरूक होने में वक्त लगेगा, पुलिस को चाहिए कि वो लोगों को जागरूक करे। साथ ही उन्होंने कल जिस तरीके से घटना पटना के एग्जीबिशन रोड में हुआ था, चालान काटने के नाम पर भारी बवाल हंगामा हुआ था, पुलिस और जो पब्लिक के बीच में जिस तरीके का हंगामा हो, उसको लेकर भी तेजस्वी यादव ने कहा कि नहीं, इस तरीके का नहीं होना चाहिए, पुलिस को चाहिए कि वो जागरूक करे और सभी लोगों को इसको फायदे बताने चाहिए। आखिर सीट बेल्ट लगाने के फायदे क्या होते हैं, आप तस्वीरों में देख रहे हैं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सीट बेल्ट बांधे हुए हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि लोगों को भी इसका प्रयोग करना चाहिए। अब आगे आप वीडियो में देखिए तेजस्वी यादव न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में क्या कह रहे हैं और साथ ही एग्जीबिशन रोड वाली जो घटना कल हुई थी इसके बाद बेहद हंगामा हुआ था, उसको लेकर तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। नहीं देखिए, कोई भी अगर गलती किया है तो चालान कटना चाहिए, लेकिन जो व्यवहार होना चाहिए कम से कम गुंडागर्दी वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि एक तरीके से सलीके से लोगों को समझाने की ज़रूरत है। सिर्फ चालान काटने से ही काम नहीं चलने वाला, बल्कि लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। ट्रैफिक के नियमों का पालन किया जाए और इससे क्या बेनिफिट्स है ये लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। तो इसमें ज़्यादा कुछ टिप्पा टिप्पणी नहीं करना, लेकिन इस प्रकार का घटना जो हुआ ये हमको नहीं लगता कि और कहीं हमको देखने को मिल रहा है। तो कम से कम थोड़ा जो रवैया होना चाहिए वो व्यवहारिक होना चाहिए। कोई भी ठीक है, इमरजेंसी में तो लोग जो हैं चलान इसलिए है, जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए उस हिसाब से काम करना चाहिए।